आपने कभी सोचा है कि खिलौने भी इंसान के लिए इस कदर नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, हत्ता कि ये इंसान की मौत का सबब भी बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं खिलौनों के बारे में बात की जाएगी। CSI एस्बेस्टॉस। ये काफ़ी अनोखा खिलौना है। इसमें एक किट शामिल होती है जिसमें बच्चे किसी क्राइम के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। इसमें एक पाउडर शामिल होता है और एक ब्रश होता है। बच्चे इस पाउडर की मदद से किसी भी चीज़ पर लगे फिंगरप्रिंट को आसानी से तलाश कर सकते हैं। देखने में तो ये एक आम सा खिलौना लगता है, लेकिन मसला इसके अंदर मौजूद पाउडर में है। इसमें एक मिनर शामिल होता है जिसको एस्बेस्टॉस कहते हैं। ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये कैंसर का सबब बन सकता है, यानी बच्चों को आगे चलकर इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। इन खिलौनों से खेलना बेहद ख़तरनाक है, इसलिए 14 साल पहले ऐसे कई खिलौनों को कई मुल्कों में बैन कर दिया गया था। फिशर प्राइस पावर व्हील। देखने में तो ये एक आम सी गाड़ी है जिसको बच्चे बड़े शौक से चलाते हैं। इस गाड़ी में दो सीट्स होती हैं और दो बच्चे एक साथ बैठकर इस गाड़ी में घूम सकते हैं। 20 साल पहले इन गाड़ियों में एक खासा पेश आना शुरू हो गया। इन गाड़ियों को चलते चलते आग लग जाती थी। इन गाड़ियों की वजह से 9 बच्चे शदीद जख्मी हो गए थे। ये खिलौने इतने ख़तरनाक हो गए थे कि अमेरिका की हुकूमत ने 1 करोड़ ऐसी गाड़ियों को अमेरिका की दुकानों से उठवा लिया था। ये गाड़ियाँ ओवरहीट हो जाती थी और इनमें आग लग जाती थी। इस कंपनी को इन गाड़ियों की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया था। स्काई रेंजर पार्क फ्लायर। ये प्लेन टॉयज होते हैं, ऐसे जहाज जिनको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है। 2007 में अमेरिका ने इन पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन क्यों? क्योंकि ये खिलौने उड़ते उड़ते एक्सप्लोर हो जाते थे, इनको आग लग जाती थी। ऐसे कई हादसे सामने आ चुके थे। इन जहाज़ों की वजह से कई लोग जख्मी हो चुके थे। इन जहाज़ों की वजह से कई लोगों के चेहरे और हाथ जल चुके थे। ऐसे 45 केसेस सामने आए जिनमें 22 लोग जख्मी हो गए थे। इसीलिए 2007 में अमेरिका में इन खिलौनों पर पाबंदी लगा दी थी और 21,000 ऐसे खिलौनों को अमेरिका की दुकानों से उठवा लिया गया था। एक्वाडोर्स। ये एक आम सा खिलौना है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स के बीन्स होते हैं। बच्चे इन बीन्स को एक ट्रे पर जोड़कर मुख्तलिफ शेप बनाते हैं, फिर इन पर पानी का स्प्रे किया जाता है ताकि ये बीन्स आपस में जुड़ जाएं। ये खिलौने बच्चों में काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। इन खिलौनों को एक अवार्ड भी मिला था, लेकिन 2007 में इस खिलौनों को अमेरिका में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्यों? मसला इस खिलौने में मौजूद बीन्स में था। अगर बच्चे गलती से भी इन बीन्स को मुंह में ले जाते तो ये बच्चे के लिए जहर बन सकता था। 2007 में ऐसे 40 लाख खिलौनों को अमेरिका में उठवा लिया गया था।